वी द पीपल ऑफ इंडिया, आगे के वक्त में जब इतिहास लिखा जाएगा तब हम लोग क्रूर रहेंगे या कंपैशन और इंसानियत वाले लोग रहेंगे, इस कोरोना पैंडमिक के इतिहास में ये आज की एक खूबसूरत कहानी है, ये मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो आज हमारे साथ है राजकोट के हिरल। हिरल, आपका बहुत स्वागत है वामन मैटर्स में। हिरल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि वो कोरोना, जिन फैमिलीज को हुआ है कोरोना वायरस, उन फैमिलीज को फ्री टिफिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हिरल, ये काम आप कर रहे हो फ्री टिफिन सर्विसेज देने का, एक साइड में आप आपके प्रियजनों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो जैसे कि आपकी फैमिली है, और एक बाजू में मतलब ऑन द अदर साइड यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑफ अदर पीपल्स ऑल्सो फ्रॉम डाइंग विदाउट फूड। तो ये करने की कहाँ से प्रेरणा या मोटिवेशन आई, इतना बड़ा काम, खुद को भी संभालना और दूसरों को भी संभालना मरते हुए? जी ऐसे पैंडेमिक सिचुएशंस में सभी को लगता है कि हमारा भी कुछ योगदान रहे। वैसे ही मुझे भी लग रहा था, बट मुझे कोई दिशा नहीं मिल रही थी कि कौन से दिशा में आगे बढ़े। और उसी दरम्यान बहुत सारा सुनने में मिलता था कि पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो चुका है। तो ऐसे में उनको भोजन का व्यवस्था कैसे होती है? और राजकोट में अभी तो कर्फ्यू भी चल रहा है रात को, तो इवनिंग का खाना मिलना तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता था। तभी मैंने सोचा कि टिफिन सर्विस स्टार्ट करने जैसा है। एंड देन पता चला कि मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं इनके। देन द थॉट केम अप ऑफ फ्री टिफिन सर्विसेस। सो दिस आइडिया केम फ्रॉम देयर एंड इट गॉट अ फर्स्ट पुश व्हेन आई डिस्कस्ड इट विद ऐश्वर्या, आवर को-फाउंडर, दैट शी आल्सो एग्रीड दैट गो अहेड विद इट। और सबसे बड़ा योगदान तो तब हुआ जब मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसा करना है, आप घर पे बना लोगे? शी सेड मैं 30-35 लोगों का खाना घर पे एक टाइम से बना दूंगी। तो एट दैट मोमेंट वी डिसाइडेड वी आर गोइंग अहेड विद दैट। आपके मम्मी ने क्यों डिसाइड किया कि उनको ये एकदम डिफिकल्ट टास्क करना है, कि जैसे कि 30 से 35 लोगों को टिफिन सर्विस या इतना बड़ा स्केल पे खाना पकाना, पैक करना, भेजना, तो उनको क्यों लगा कि ये करना है? क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, मतलब घर के काम भी करना, ये काम भी करना, दोनों चीज़ें। वाई शी फेल टू डू दिस, एनी स्टोरी बिहाइंड दिस? स्टोरी एज इन पहले से ही मेरे पिताजी भी जो थे वो भी ऐसे सेवा कार्य में बिलीव करते थे। हमारे पास जितना होता था उसमें से कुछ ना कुछ दे ही देते थे। एंड आई बिलीव इवन आई एम इनटू दिस सोशल डेवलपमेंट सेक्टर जस्ट बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। जब भी मैंने बात की मम्मी से, मम्मी ने बोला कि इस प्रकार हम हमारा योगदान भी देंगे और ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी भी फॉलो करेंगे, सो दैट थोड़ा बहुत हमें भी अच्छा लगे कि कुछ किया ऐसे में। ये सभी लोग को लग ही रहा है कि कुछ ना कुछ कर रहे, और मेरी मम्मी का साथ मिला तो वी स्टार्टेड ऑफ विद दैट। सो राइट नाउ वी आर डूइंग गुड इनफ। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और चैलेंजेस क्या है, ये जब आप फ्री टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इतने लोगों को या फैमिलीज को, राजकोट में क्या हो रहा है वो भी बोलिए आप। मेजर चैलेंजेस अभी के लिए तो वॉलेंटियर्स की अवेबिलिटी है, क्योंकि ऐसा ऐसा माहौल बन चुका है कि सभी लोग डर रहे हैं। और अगर वॉलेंटियर्स आने को तैयार होते हैं, स्टिल इट्स वेरी हार्ड टू गेट परमिशन फ्रॉम फैमिली। तो वॉलेंटियर्स अभी के लिए मिलना मुश्किल होता है, बट वी आर अराउंड 60 पीपल डिलीवरिंग फूड राइट नाउ। एंड वी आर डिलीवरिंग फूड्स टू मीन्स वी आर डिलीवरिंग अराउंड 80 to 100 टिफिन अ डे वॉलेंटियर्स की मदद से। और अदर प्रॉब्लम तो ऐसा है कि कभी कभार एवरीवन सभी के साथ होता है कि कोई भी स्कीम हो, कुछ भी, इवन गवर्नमेंट स्कीम ऐसे, तो देर इज अ पॉपुलेशन दैट माइट बी नॉट जेन्युइन। बट आर इंटेंशन इज ठीक है, लाइक ऑफ 100 पीपल इफ 30 आर नॉट जेन्युइन, वी आर रीचिंग आउट टू 70 जेन्युइन पीपल। दैट इज अ मेन थिंग।
So availability of volunteers is one thing, and for organizations like us, which are very small and handful of people are working, there are many organizations out there who are doing some kind of work. They also face the issue of fund. छोटे स्केल पे करते हैं और कभी कभार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट करना नहीं आता है. दे बिलीव इन वर्किंग ऑन ग्राउंड एंड नॉट शोइंग ऑफ. दे इन्वेस्ट ऑल देयर रिसोर्सेज इनटू अ सर्विस. सो दैट इज वन अबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक दिस थिंग. ओनली दिस प्रॉब्लम, रेस्ट ऑल इज मैनेज. अगर हिरल किसको आप जो काम कर रहे हो किसको रेप्लिकेट करना है या इमिटेट करना है, समझो मुंबई हो चेन्नई हो कौन से भी इंडिया के पार्ट में हो, तो कितने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कितना खर्चा आता है ये टिफिन सर्विसेज के पीछे, वो थोड़ा आप उसके ऊपर भी बात कीजिएगा. सर I'm very happy to tell you that many cities have already started replicating means up this thing model. Ajmer mein already ho chuka hai, Baroda mein ho raha hai, Ahmedabad mein under process hai. All these people are in means Baroda and Ahmedabad se baat ho rahi hai meri kaise start karna hai. They are replicating. The major resource like anyone can calculate per different cost. But mere liye major resource hai डेडिकेटेडली कितने लोग हैं तुम्हारे पास काम करने के लिए. और अगर एक भी तैयार है कि डेडिकेटेडली हाँ मैं करूंगा, then we can start off. Other resources are normal if they are into already into different business, they already know what all resources are required. Rest अगर नए हैं हमारी तरह तो सभी बेसिक कंटेनर्स फॉइल को सब तो होता ही है. So at least for us we started off with very minimal. Our first order was around 3 tiffins, and now we have around 80 tiffins a day or so. Your major resource will be your volunteers, which means they are really, my volunteers are very dedicatedly doing into this initiative. Just an example, Rajkot mein 2 or 3 din se barish ka mahol hota hai, aur parso ke din hi barish hua tha. तभी मुझे मेरे पेशेंट्स के फोन आ रहे हैं कि बारिश हो रहा है तो रात का समय भी हो गया है तो आज टिफिन पहुंचेगा. आई आस्क्ड देम टू वेट फॉर 5 मिनट्स. आई कॉल्ड माय वॉलंटियर्स कि क्या है, पहुंचा पाओगे? देन देयर रिप्लाई वाज कि आपके पेशेंट्स को बोलो आपको खाना पहुंचाना है, मिल जाएगा, बारिश अपना काम कर रहा है, हम वॉलंटियर्स हमारा काम करके टिफिन पहुंचा देंगे. This is the dedication level of my volunteers. एक सवाल है उन families के लिए भी जो आपकी services tiffin free services जो receive कर रही है, उनके साइड से भी उनको क्या लगता है, मतलब जब आपका टिफिन आता है वो आपसे बातचीत करते फोन पे, उनका क्या रिएक्शन रहता है सेफ्टी के ऊपर, बाद में आप आपके साथ क्या चलता रहता है, ये उनका क्या रिएक्शन रहता है उस साइड का रिएक्शन? रिगार्डिंग सेफ्टी, मैं खुद मेरे वॉलेंटियर्स डबल लेयर मास्क मीन्स 2 मास्क कंपलसरी है, हैंड ग्लव्स होता है हर एक टिफिन डिलीवरी के बाद, यू हैव टू सैनिटाइज योर हैंड, ऐसे करके सब सेफ्टी मेजर्स को ले रहे हैं. और रिव्यूज की बात करें उनका, जब हमसे बात होती है इवन हमारे यूट्यूब चैनल पे उनके कमेंट्स रिव्यूज आए हैं. So they are very happy with the food. It's because basically it's home based. My mother cooks. We also eat the same food. So बहुत अच्छा है. और looking at the rise in demand for the tiffin, है अच्छा reviews है. And if one want to see it, अपने हमारे YouTube channel पे वो video पे देख सकते हैं. हमारे beneficiaries ने ही, हमारे patients ने ही उसमें comment किया है. आप जैसा एक सेवा दे रहे हो लोगों को, एकदम दिल से सेवा दे रहे हो, वैसे बहुत लोग सेवा दे रहे हैं, तो वो जो लोग सेवा दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, उनके लिए आपका क्या संदेश है, और उसके साथ आपकी लोगों के लिए क्या दरख्वास्त या रिक्वेस्ट है, आपको क्या कहना है लोगों को, इन दो चीज़ें पे आप ज़रूर बोलिएगा. पहली बात तो जो भी संस्था या फिर जो भी इंडिविजुअल
ऐसे सेवा में जुड़ा है, सबसे पहले तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्होंने खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि यू आर इनटू अ गुड जॉब राइट नाउ। ऐसे सिचुएशन में हर किसी को चाहिए कि कोई आके बोले तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम खड़े हैं, और वो काम आपके जैसे संस्था ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। सेकेंड चीज, बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे सीखा संगठित हुआ संघर्ष करा, तो इसमें से पहली और तीसरी चीज हर कोई कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन असली मतलब जो मेन इसका ये है हार्ट जिसे बोलते हैं, दैट इज संगठित हुआ। सो इफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलरेडी डूइंग दिस, वी शुड कम टूगेदर कि वी आर पुटिंग एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन, वाई यूज डिफरेंट पाथ, लेट्स ऑर्गेनाइज आवर सेल्फ सो दैट वी कैन रीच आउट मेजर पॉपुलेशन, मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन। अगर राजकोट में ऐसे है ऑर्गेनाइजेशन जो टिफिन सेवा दे रहे हैं या फिर ऑक्सीजन के लिए हेल्प कर रहे हैं, ऐसे कोई भी सेवा दे रहे हैं, हम जैसों को एक साथ संगठित होके पॉपुलेशन के पास पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि हम सब एक साथ आ जाए तो राजकोट में कोई मतलब हर एक पेशेंट तक हम पहुंच पाएंगे। अभी तो हम पहुंचते हैं सिर्फ अराउंड 85 पेशेंट्स के पास, तो दिस इज अ मेजर दिस थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ईच वन ऑफ यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ये पैंडेमिक में। आप जैसे लोग अगर खड़े हैं पेशेंट के साथ तो पेशेंट का भी मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम समाप्त करते हैं ये मुलाकात हीरल के साथ जो राजकोट के हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए रहेंगे कि हाँ, हमारे देश के लोग एक कंपैशनेट और ह्यूमैनिटी वाले लोग ही जाने जाएंगे इतिहास में, जब कोविड का इतिहास लिखा जाएगा दुनिया में। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। And thank you, Hiral, once again. Keep doing your work and keep inspiring millions of people. Thank you.